अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोड। तो दोस्तों का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले मेरा। और दोस्तों जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैंने बकरे को मेडिसिन देना बंद कर दिए और मैं इसके मोशन जो है मैं आपको ऐसी दाने से ठीक करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट आए कि गंदुम नहीं दें और इसको हैवी दाना नहीं दें और इसको मोशन ज़्यादा हो जाएंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। चलो भाई आओ आओ इधर आओ आओ, ये देख सकते हैं आप लोग इसकी लपक दाने पे माशाल्लाह से, सही। और ये मैं इसको अभी गंदुम डालूंगा। और मैंने जो कल दाना दिखाया दादा था, आपको दिखाया भी था मैंने, तो गंदुम दिया था, छिलका भी दिया था टाइम से, देखिए गंदुम डाल दिया मैंने इसको। और ये देख सकते हैं आप इसके मोशन, सही है। कल के बाद से इसने अभी तक मोशन नहीं करे। आप लोग मेरी बात समझ नहीं पाए थे, असल में इस बकरे को मोशन नहीं है, इसकी थोड़ी सी हेल्थ सही करनी है, तो मुझे इसको वैक्सीन लगवानी है, समझ रहे हैं। वैक्सीन जैसी इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी, इसकी मोशन वगैरह होना ये सब होना ख़त्म हो जाएगा। इसका पेट ख़राब है, इसका मैदा कमज़ोर है, इसको मोशन नहीं है, आप मेरी बात समझें। देखिए मोशन होते हैं ना तो हम गंदुम वगैरह कोई हैवी दाना इस तरह का नहीं देते, सही है। इस बच्चे को मोशन नहीं है, ये अपने टाइम पे जैसे बकरा जिस टाइम मेंगनी करता है ना, ये उस टाइम ही मेंगनी करता है। बस इसका मसला ये है, या तो इसको कब्ज़ होता है या तो इसको मोशन हो जाते हैं उस टाइम पर। मतलब ऐसा नहीं है कि मोशन का मतलब ये होता है कि हर वक्त उसको जो भी आप उस वो खा रहा है, जो भी जानवर के पेट में जा रहा है, वो सब बाहर निकालते हैं, ये होता है मोशन का मतलब। लेकिन इसको इस तरह वाले मोशन नहीं है। अब आप लोग आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं इसको जो मैदा है इसका, इसके अब दाने से कंट्रोल करूँगा। अब मैं इसको दाना इस हिसाब से दूंगा कि आज मैं देखूंगा अगर इसको कब्ज़ सा हो रहा है तो मैं इसको दाना ऐसा दूंगा कि इसका कब्ज़ टूट जाए। अगर मैं देखूंगा इसको मोशन हो रहा है तो मैं ऐसा दाना दूंगा कि इसका मोशन रुक जाए, ताकि इसको मेडिसिन कम से कम हो। क्योंकि एक वक्त आता है जब आप इधर आओ तुम कहीं, जब आप एक जानवर पे एक्स्ट्रा मेडिसिन अप्लाई करते हो ना, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उसके अंदर की प्रोसेस होती है, वो उसको अडेप्ट कर लेता है। मतलब समझ लो उसको आदत पड़ जाती है मेडिसिन खाने की, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो वापस, चलो चलो वापस, समझ रहे हैं। फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जानवर को कि उसको मेडिसिन कितनी भी आप दे लें, एक वक्त आएगा कि उसको फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मेडिसिन से। बस यही सारा मसला है। अब देखें बच्चा, अभी माशाल्लाह से मैंने इसको गंदुम खिलाई है, अभी मैं इसको छिलका भी डालूंगा, अभी मैं इसको आपके सामने मकई भी मिला के डालूंगा छिलके में, सही है दोस्तों। तो आप लोग वो भी देखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये मैं छिलका और मकई मिक्स कर रहा हूँ, और ये साथ ही आ गया मेरे, बनाता भी जा रहा है, खाता भी जा रहा है माशाल्लाह से, सही। और मैं इसको सिर्फ थोड़ी सी जान डालना चाह रहा था इसमें, इंशाल्लाह वो डल गई है, इतनी इसमें एक्टिव हो गया ये कि इसको अब वैक्सीनेशन हो सकती है। इसकी वैक्सीनेशन होगी, इसके जो भी जरासीम है बॉडी में, पेट में, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये इंशाल्लाह ये मोशन करना, ये इस तरह की सारी चीज़ें करना बंद कर देगा। चलो आओ अंदर चले, आ जाओ। अच्छा उसमें देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको छिलका और मकई जो है रख दिया है, और ये मेरे पास खड़ा हुआ है, सही है। अभी पानी मांग रहा है ये, अभी पानी पिलाएंगे इसको, और आपके सामने है ये। तो अब आप लोग मुझे लगता है कि समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोगों से, कि इसका मसला जो है ये मोशन का या कब्ज़ का मसला नहीं है, इसका वैक्सीनेशन का मसला है, सही है दोस्तों। इंशाल्लाह वैक्सीनेशन ही बताऊंगा आप लोगों को। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, डिवाइन कोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।